जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ना सिर्फ वादा है बल्कि एक ऐसा वादा है जो लगातार 9 साल से हम पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली एक लौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और उसके बावजूद 22 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको हमारे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते। साल दर साल हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हित में कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास कर देते हैं उस काम को रोकने का। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब बिजली की सब्सिडी आने का समय आया था तो कितनी कोशिश हुई थी हमारे विरोधियों द्वारा उस सब्सिडी को रोकने की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब हमें ये घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद जीरो बिजली बिल समाप्त हो जाएंगे। इस साल भी पिछले एक महीने से लगातार इन लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया कि आने वाले वर्ष 2024-25 में दिल्ली वालों का जीरो बिजली का बिल ना आए और किसी तरह से केजरीवाल सरकार की सब्सिडी रुक जाए। इन्होंने अफसरों को बुलाया, अफसरों को धमकाया, पूरी कोशिश कर ली कि दिल्ली वालों के जीरो बिजली के बिल रुक जाए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक बार दिल्ली के लोगों को वादा कर दिया तो फिर उन्हें जो भी करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिससे लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को अपना वादा पूरा करके रहते। और आज मुझे सभी दिल्ली वालों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी, उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी, दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो आता रहेगा और अब ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है। धन्यवाद। लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या अड़चन इसमें आ रही थी? पिछली बार आपने बताया था बकायदा कि लेटर लिखे गए थे और उन्हें रोकने के लिए बकायदा आपके पास भी नोट आया था, तो इस बार भी क्या इस तरह का कोई नोट आया, क्या कोई इसकी टाइम? देखिए, इस अगर आप पिछले साल भर में देखिए तो अब इन लोगों ने एक तरीका अपना लिया है काम को रोकने का। अब ये खुद खुलकर कुछ नहीं करते हैं, ये अब अफसरों को धमकाते हैं, अफसरों को बुलाते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, केजरीवाल सरकार की काम में मदद करी, इनकी पॉलिसी पास करवाई, लागू करवाई, तो तुम पे विजिलेंस इंक्वायरी कर देंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम पर सीबीआई ईडी के केस करवा देंगे। तो अब इनका काम करने का तरीका हमारे विरोधियों का, इन लोगों का चेंज हो गया है। पहले ये हम पे खुल के वार करते थे, अब ये खुल के वार नहीं करते हैं, ये अफसरों के माध्यम से काम को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, जो दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं वो उस वादे को पूरा करके दिखाते हैं। मैम, कितनी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्या उनकी संख्या बढ़ी है और इसके ऊपर सब्सिडी सरकार के ऊपर कितनी? देखिए, सरकार के ऊपर तकरीबन 3,500 करोड़ का सालाना वहन होता है। जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो कंजम्पशन बेस्ड डिपेंड करता है,
अप टू 200 यूनिट्स बिजली बिल्कुल फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट में आपको 50% की सब्सिडी मिलती है, जो किसान होते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, लॉयर्स चेंबर्स में मिलती है, 1984 के दंगा पीड़ितों को मिलती है, तो जो उनका एक्चुअल कंजम्पशन है उसके आधार पर मिलती है। तो वो डिपेंड करेगा जो एक्चुअल फिगर होगा कि लोगों का कंजम्पशन कितना होता है। ईडी वाले मामले में अभी लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है, अच्छी क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं कि डिले किया जा रहा है प्रक्रिया को, और ये भी कहा है कि आप उनके बदनाम करने के लिए जो एक आरोपी को सीसीटीवी दिया था उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हम उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं? वो खुद पहले कोर्ट जाते हैं। केजरीवाल जी को बार बार समन भेजने के बाद पहले तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब नहीं देते, उसके बाद वो खुद कोर्ट जाते हैं कि ये समन लीगल है कि नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई अगर आप खुद कोर्ट गए हो तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करो ना। ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ऐसा मानती है कि जी अब तो हम कोर्ट का भी इंतजार नहीं कर सकते, हम तो कोर्ट के भी ऊपर हैं। भाई खुद कोर्ट गए, अब कोर्ट का सम्मान करो, उनके फैसले का इंतजार करो। थैंक यू।